नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। मैं आलोक शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपको सबसे ज्यादा जिस चीज का इंतजार था, अलाहाबाद हाई कोर्ट के आरओ एआरओ की वैकेंसी का। हाँ, 2021 के दो आरओ एआरओ की रिक्रूटमेंट फिर से आ गई है और ये जो आपका फॉर्म है वो 17 अगस्त से ही आप उसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप उसके लिए जो भी एप्लीकेशन है कर सकते हैं। सारी जानकारी नोटिफिकेशन और अलाहाबाद के अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे भी कल लिंक एक्टिवेट कर दी जाएगी। अभी जो जानकारी मिल रही है इसमें बहुत सारी जानकारी है, जो बहुत छोटी छोटी बिंदु है जिसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे। क्या इस बार का सिलेबस है, क्योंकि अलाहाबाद हाई कोर्ट दो चीजों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। एक, सबसे कम समय में परीक्षा कराने के लिए, सबसे कम समय में रिजल्ट देने के लिए, और दूसरी बात यह कि सबसे ज्यादा अपने पैटर्न बदलने के लिए। ये दोनों से बोल सकते हैं प्रख्यात है या ऐसा बोल सकते हैं कुख्यात भी है। तो इन बातों का हम देखेंगे। इस बार क्या बदला है, टाइपिंग टेस्ट भी है, यहां पे इंग्लिश में टाइपिंग टेस्ट होना है पिछली बार की तरह। कौन कौन सा क्वेश्चन, सब कुछ जो नोटिफिकेशन हमारे पास आई है अंदर से, वो मैं आपको यहां पे दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे अभी तक लगातार पिछले 6-7 महीने से कंटिन्यू ये बोल रहे थे, पिछली बार करीबन 450 से बच्चे ये जो हमारे पेड कोर्स में जुड़े थे, तब परीक्षा प्लस नया नया स्टार्ट हुआ था, पहली वैकेंसी में ही 450 बच्चे, बहुत बड़ी बात होती है। उसमें भी हम लोग बहुत सारे सिलेक्शन भी देते, ये सारी चर्चा करेंगे। उसके बाद से उसमें जो बच्चे कहीं एक नंबर दो नंबर से चूक गए थे, बहुत दुख होता है, ये बात मैं समझता हूं। लेकिन मैं एक बार फिर से बोलूंगा, वो समय आ गया है, जो पिछली बार आपसे गलतियां हुई थी उस गलतियों को सुधारने का समय आ गया है। और इस बार 400 से ज्यादा पद लगभग है, करीबन 400 पद, जिसमें 46 पद आपके एआरओ के हैं, सॉरी आरओ के हैं, और आपके 350 पद एआरओ के हैं। और ये दोनों आपके एग्जाम अलग अलग होंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आरओ का एग्जाम और उसके साथ टाइपिंग और एआरओ का एग्जाम उसके साथ टाइपिंग दोनों सेम डे में होगा, पार्ट वन पार्ट टू, जो हम सही से चर्चा करेंगे। लेकिन मैं बता दूं, अब समय नहीं है, एआरओ आरओ दोनों परीक्षाएं बहुत कम समय में होंगी। कल से यानी कि 17 अगस्त से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा, सितंबर तक फॉर्म करेक्शन करवा लेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि आपका अक्टूबर लास्ट या नवंबर के फर्स्ट वीक में यह परीक्षा हो जानी है, और नवंबर के लास्ट वीक में आपका आंसर की सही होके रिजल्ट आ जाना है, और दिसंबर में आपकी ज्वाइनिंग हो जानी है। इस बार टाइपिंग अलग नहीं है, यही इसीलिए किया गया है कि इस बार जो आपका ज्वाइनिंग की प्रक्रिया है उसे और तेजी से एक साथ ही किया जाए, ताकि आपको आने वाले 3-4 महीने में जॉब आपके हाथ में है तो आपको डिसाइड कर लेना है। समय एकदम नहीं बचा है, बहुत कम समय में बहुत जबरदस्त तैयारी करनी है। तैयारी आपकी चल भी रही है, इधर पीटी लगा हुआ था, एसआई की बच्चे तैयारी कर रहे थे, बहुत सारे ऐसी वैकेंसी थी जिसमें लगातार लगे होते, तो उसका भी फायदा उठाना है। जीएस पोर्शन ज्यादा है, थोड़ा सा यहां पे अलग सेगमेंट है, कंप्यूटर अच्छा खासा पूछता है, उसे हमें अच्छे से देखना है, और अंग्रेजी बच्चों को परेशान करती है उत्तर प्रदेश वालों को, उसको हमें अच्छे से देखना है। लेकिन उसके लिए परेशान मत होइए, मैं हूं टीम परीक्षा प्लस है, तो आपकी सारी चिंताएं का समाधान हम लोग के पास है। और मैं बता दूं कि अभी नया बैच इसी सिलसिले में प्रारंभ कर दिया गया है। सभी की क्यूरियोसिटी बहुत, आप लोग इतना डिमांड करते हो, बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इतना ट्रस्ट करते हो परीक्षा प्लस पे, और आपके इस विश्वास से ही परीक्षा प्लस दिन रात मेहनत करने के लिए तत्पर रहती है। उसी मेहनत के साथ न्यूनतम फीस में 50% ऑफ के साथ, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, 50% फ्लैट ऑफ के साथ बैच स्टार्ट किया जा रहा है। 499 का बैच है ये, 499 में बता दूं क्या क्या मिल रहा है आपको। सारे के सारे इस बार आपको वीडियो क्लासेस दिए जा रहे हैं, जितना भी आपका सिलेबस, अभी सिलेबस के जिक्र करेंगे। जीएस का पोर्शन ज्यादा है, थोड़ा सा रीजनिंग है, थोड़ा सा कंप्यूटर है, हिंदी इंग्लिश है, लेकिन सारा मैक्सिमम जीएस पोर्शन है, वो हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। उस पे आधारित बहुत ही एकदम पाठ्यक्रम पे आधारित पूरा पेपर का एनालिसिस करके, एग्जाम का एनालिसिस करके, इस बार आपका परीक्षा एनटीए है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से हो रही है, पूरा सीबीटी बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा। अभी तक ऑफलाइन होता था, इस बार ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन आपके प्रैक्टिस कराई जाएगी, तो वीडियो क्लासेस दिया जाएगा आपके कॉन्सेप्ट के लिए, ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए आपको इसी में 10 टेस्ट प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे, और यही नहीं साथ में ही आपको उसकी व्याख्यात्मक हल्की पीडीएफ। और मैं आपको बता दूं, परीक्षा प्लस के टेस्ट के पीडीएफ की सबसे बड़ी, जो सबसे खास बात यह होती है कि हर प्रश्न की प्रश्नगत रणनीति होती है। आप ऐसे समझो कि आप जब पेपर देते हो तो ऐसा लगता है कि कोई टीचर, कोई फैकल्टी आपको वो पेपर आपको बैठा के समझा रहा है, आपको वहां पे सॉल्व करवा रहा है, आपको हर प्रश्न में इस प्रश्न को कैसे करना था, क्यों नहीं करना था, अगर इससे संबंधित प्रश्न आ गए, सारी चीजें वहां पे हम लोग यहां पे बताते हैं। और अंतिम क्षण में ये आपका
10 टेस्ट के साथ। इसके अलावा आपको सारे के सारे नोट्स भी इसमें दिए जाएंगे, इसमें शायद लिखा नहीं है तो मैं यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूँ, सारे के सारे यहाँ पे नोट्स अवेलेबल किए जाएंगे जो आपको ईबुक के फॉर्मेट में दिए जाएंगे। तो सारी क्लासेस, सारे नोट्स, 10 टेस्ट की पीडीएफ, पूरा आपका वहां पे जूम मीटिंग के थ्रू आपकी रणनीति, स्ट्रेटेजी, सबको डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन, सब कुछ आपका केवल और केवल 499 में है। तो देर नहीं करना है, लेकिन इससे पहले हम चर्चा ये कर लेते हैं कि आखिर इस सिलेबस में है क्या। तो सिलेबस में एक बार देख, सॉरी नोटिफिकेशन में है क्या, नोटिफिकेशन में क्या आया है इसका एक बार हम जल्दी से चर्चा करते हैं और देख लेते हैं जो आप लोग की क्यूरियोसिटी है उस क्यूरियोसिटी को भी यहां पे करते हैं। तो ये आपके सामने वो पीडीएफ है जो अलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया गया है। इसकी खास बात क्या है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लिखा हुआ है, इसका मतलब इस एग्जाम को कराने का पूरा का पूरा दारोमदार इस बार किस पे है, एनटीए पे दिया गया। और जब एनटीए पे आता है तो चीजें बहुत ही सुचारू रूप से और बहुत ही जल्दी होती है, आपको पता होना चाहिए। अलाहाबाद हाई कोर्ट वैसे ही जल्दी करवाता है। इसकी अगर डेट देखा जाए, हाँ ये तो इंडेक्स है, उसका डेट देखा जाए तो 17 अगस्त, अभी मैं जब वीडियो आपके लिए ला रहा हूं तो ये 16 अगस्त का दिन है, ठीक है ना, ये 17 अगस्त की बात है। मतलब पीडीएफ बन गई है, कल आपके सामने आ जाएगी, पहले से डेट वहां पे बना के रख दिया गया है। और 17 अगस्त से ही आपके क्या हो जाएंगे, 17 अगस्त से ही आपके यहां पे हाँ सारे फॉर्म फिलअप करना शुरू हो जाएंगे। ये बात आपको यहां पे समझते हुए चलना है, एक महीने चलेगा, 17 सितंबर तक आपका क्या हो जाएगा, लास्ट फीस है, उसके बाद फी देख लो आप, 800 रुपए है, बाकी के लिए 600 रुपए है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको जो मेन चीज है वो ये बता दूं कि जो आपका करेक्शन है वो 21 सितंबर लास्ट डेट है, और इससे एक महीने से ज्यादा समय नहीं मिलने वाला है, मतलब 21 अक्टूबर के बाद कभी भी आपका पेपर हो सकता है। ये बात सबसे ज्यादा आपको दिमाग में रखने वाली है, बाकी चीज जरूरी नहीं है। जरूरी आपको ये बताना है कि ये कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा, कौन सा होगा, कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा, ऑनलाइन पेपर होने वाला है आपका। और जब ऑनलाइन पेपर होगा तो आपको उस हिसाब से प्रैक्टिस भी करनी होती है, क्योंकि यहां पे आपको बहुत सारी चीजें समझनी होती हैं। ये उसका इंट्रोडक्शन पार्ट दिया हुआ है, अभी मैं आपको केवल इसका क्रक्स बता दे रहा हूं, एग्जैक्टली इसमें है क्या, ये बाकी वही कॉमन सी बातें होती हैं जो हर जगह लिखा रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पे आपको समझने वाली है कि रिव्यू ऑफिसर की भैया 46 पोस्ट है, कितने रिव्यू ऑफिसर के 46 पोस्ट है, ठीक है ना, 46 आपके किसके हैं, आरओ के हैं, और आपके 350 पोस्ट एआरओ के हैं। नोटिफिकेशन के डिटेल्ड में वीडियो आपके रमन सर इसके बाद लेके आएंगे। यही नहीं, इसकी जॉब प्रोफाइल क्या है, इसके सिलेबस पे डिस्कशन, इसके प्रीवियस पेपर पे डिस्कशन, इसके टाइपिंग टेस्ट पे डिस्कशन, इसकी स्ट्रेटेजी पे, सारी की सारी वीडियो बैक टू बैक आपकी आएगी। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि आपको ये सारी इंफॉर्मेशन अपकमिंग 3 से 4 दिन में सारी की सारी वीडियो मिलने वाली है, ताकि आरओ एआरओ का पूरा सब कुछ क्लियर हो जाए, अलाहाबाद हाईकोर्ट का और कोर्स से संबंधित सारी जानकारी भी वहां पे दे दी जाएगी। 47,600 से लेकर 151,100 ये आपका ग्रेड पे चल रहा है 7th सीपीसी के हिसाब से। ऐसे आपका एआरओ का 44,900 से स्टार्ट हो रहा है। खैर ये तो आप देखते रहोगे, हाँ जरूरी क्या है ये आप देख लो कि यहां पे क्या मांगा है भैया। आपके पास या तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन के साथ साथ क्या होना चाहिए, कंप्यूटर की कोई डिग्री होनी चाहिए, या तो डिप्लोमा या फिर ओ लेवल या फिर ट्रिपल सी भी मांग लिया, इस बार ध्यान दीजिएगा ट्रिपल सी भी अलाउ कर दिया गया है, ठीक है ना। और इसके अलावा आपको टाइपिंग करवाएगा, टाइपिंग आपकी कितनी होगी, 25 वर्ड पर मिनट मिनिमम का होगा, और ये इंग्लिश में होगा, कितना 25 WPM का होगा और सब इंग्लिश में होगा, और दोनों क्वालिफिकेशन आरओ यारो के लिए सेम है। लेकिन खास बात मैं आपको यह बता दूं कि आपका आरओ का पेपर प्लस टाइपिंग और ऐसे एआरओ का पेपर प्लस टाइपिंग, ये दोनों चीज आपका क्या होगा, सेम डे। आरओ का पेपर अलग दिन होगा, एआरओ का पेपर अलग दिन होगा, लेकिन पार्ट वन आरओ का रिटन पेपर जिसमें 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के होंगे, ध्यान दीजिएगा फिर से, प्रश्नों की संख्या क्या होगी, 200 क्वेश्चन होंगे, नंबर कितने का होगा, 200 मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन यानी कि क्या होगा, एक नंबर का होगा, निगेटिव आपका क्या है, निगेटिव नहीं है, जीरो है, तो ताली बजा सकते हो इस बात के लिए, तुक्का मारने में भी मजा आएगा। लेकिन ध्यान देना एआरओ का पेपर बेहद आसान आएगा, तो तुक्का में गलतियां भी बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज में गलत कर देते हैं, जबकि आरओ का पेपर फिर से थोड़ा टफ लेवल का आएगा, जहां पे आप तुक्का कितना भी लगा लो फिर आपका ब्लाइंड तुक्का हो जाता है, वहां पे फिर आप लॉजिक नहीं लगा पाते हो, तो वहां पे भी रिस्क है। तो ज्यादा से ज्यादा हमें अपनी जानकारी बटोनी, कैसे बटोनी मैं आपको बताऊंगा। निगेटिव आपका जीरो है, लेकिन टाइपिंग में निगेटिव है, यह बड़ी बात है,
टाइपिंग में निगेटिव है, मतलब हर एरर के लिए 0.1 नंबर कटेगा। ये मैं अभी बता दे रहा हूं, टाइपिंग में आपकी एक अलग से वीडियो आएगी कैसे कैसे टैकल करना है, कहां कहां पे छोटी छोटी बिंदु है, ये सारी वीडियो अलग से दी जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जरूर और बेल आइकन जरूर पुश कर लो ताकि आपको चीजें यहां पे पता चलती रहे, जितनी भी इंफॉर्मेशन इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआरओ के लिए की जा रही है। पिछली बार भी हमने बहुत सक्सेसफुली बैच चलाया था, बहुत सारे यहां पे सिलेक्शंस भी हमने दिए थे, बहुत सारे बच्चों के जो डायरेक्ट आज भी बोलते हैं कि आप जैसा कंटेंट ना तो कहीं पे अवेलेबल होता है, ना ही वो गुणवत्ता होती है और ना ही इतने न्यूनतम प्राइस में कोई भी टीम ऐसा उपलब्ध करवा सकती। बहुत अच्छा लगता है और मैं चाहता हूं कि एक बार फिर से आप लोग पूरे जोश पूरे उल्लास के साथ इस बार लगो। और यही नहीं, जितने भी लोग अगर देखिए जॉब पाना नौकरी पाना तो सबका सपना है, ऐसा तो है नहीं कि अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो ऐसे ही पढ़ाई कर रहे हैं अपना समय बर्बाद करने के लिए। नौकरी चाहिए और पहली प्रायोरिटी हमारी नौकरी है, वो चाहे आपकी दरोगा की हो, वो चाहे आपकी आरओ यारो की हो, वो चाहे आपकी कोई सिविल सर्विसेज परीक्षा हो या फिर आपकी कोई अन्य परीक्षा है, पहली जो प्राथमिकता है वो आपके हाथ में क्या होनी चाहिए, नौकरी होनी चाहिए। और सबसे जल्द नौकरी देने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रख्यात है, तो इसलिए आप इलाहाबाद हाईकोर्ट पर भरोसा करो। और पिछले दो बार से आप देख लो, 2019 में आपने देखा, 2020 में जो आपका 12 जनवरी 2020 को पेपर हुआ उसमें भी आपने देखा बैक टू बैक पेपर कराया, तो आपको समय फिर से नहीं मिलने वाला है। और इस बार तो टाइपिंग भी सेम डे हो गया, जिस दिन पेपर उसी दिन टाइपिंग, दो मीटिंग में कितना गैप दिया जाएगा, मुश्किल से आपका शायद 15 मिनट का या गैप है, आगे कुछ लिखा था मैं एक बार पढ़ के आपको देख दे रहा हूं, वरना ये जब रमन साहब को डिस्कस करेंगे तो सब कुछ अच्छे से बता देंगे। ये 46 पोस्ट आपका आरओ का है मैंने बता दिया और 350 एआरओ का है, ठीक है ना। रिजर्वेशन वगैरह वैसे ही है जैसे सब में होता है, कुछ अलग से नहीं है। क्वालिफिकेशंस मैंने आपको यहां पे बता दिया, एजेस आप देख लीजिए, जो एज है वो 21 से 35 है, कितना है एज की क्वालिफिकेशन 21 से 35 साल के बीच में होना चाहिए, तो बहुत सारे लोग यहां पे एलिजिबल भी हो, ये भी मैं आपको बता दूं, बस आपके पास एक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ध्यान दो, डिप्लोमा वाले हो तो अगर बीटेक किए हो कंप्यूटर साइंस से तो भी एलिजिबल हो, ऐसा नहीं कि केवल डिप्लोमा वाले, उससे एबव वाले भी एलिजिबल हो, तो बीटेक वाले भी एकदम पूरा हाथ डाल दो, आपके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है, आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है ना। बाकी कुछ मुख्य बिंदु जो था मैं आपको यहां पर बता दूं, ये निगेटिव जो मार्किंग वाला बात बोला था, टाइपिंग का पार्ट टू में है, 0.1 सबसे कटेगा। इसमें क्या है, मिनिमम क्वालिफाइंग रिटर्न वाले में नहीं है, ये जो एमसीक्यू बेस्ड होगा, ध्यान दीजिएगा, जो पहला पार्ट होगा एमसीक्यू बेस्ड होगा जिसमें ए बी सी डी चार ऑप्शन होंगे, इसमें निगेटिव नहीं है, लेकिन जो टाइपिंग होगा इसमें निगेटिव है और इसमें क्वालिफाइंग भी है। मिनिमम 25 मार्क्स लाना है आउट ऑफ किसमें 50 में, इसमें 200 में से मिनिमम कुछ नहीं है, मिनिमम कुछ नहीं है, है ना, मिनिमम कुछ नहीं, लेकिन आपको यहां पे जब मेरिट में आओगे तभी वहां पे दोनों साथ ही इवेल्युएशन होगा। ध्यान दीजिएगा इस बार इवेल्युएशन की प्रक्रिया भी बदल रही है, उसकी भी वीडियो आपको अलग से दी जाएगी। पहले क्या होता था, पहले आपका एक पेपर दे लेते थे पास होते थे फिर आप जाके वहां पे टाइपिंग देते थे, इस बार आप अगर पहला पेपर दे दियो तो साथ में ही टाइपिंग सभी को देने को मिल रही है। आप इस बात को समझ रहे हो कि इस बार टाइपिंग, पहले क्या होता था आप सोचते थे पहले हम रिटर्न निकाल लें फिर टाइपिंग सीख लेंगे, नहीं, आपको साथ में टाइपिंग भी सीखना पड़ेगा, एक ही दिन में टाइपिंग होना है, एक ही दिन में रिटर्न एग्जाम भी होना है, ठीक है ना। ये आपका 25 वर्ड पर मिनट है, यहां पे भी कोई क्वालिफाइंग नहीं है लेकिन यहां पे क्वालिफाइंग है, इस बात को ध्यान देना, और दोनों चीज के लिए सेम है, चाहे आरओ का हो चाहे एआरओ का हो। बाकी हम इस पे सिलेबस पे चर्चा कर लेते हैं, तो सिलेबस में जीएस पोर्शन ज्यादा है, सबसे पहले क्या है साइंस है, ये मैं आपको यहीं पर दिखा दे रहा हूं। हाँ, सबसे पहले क्या है आपका साइंस है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, इंडियन नेशनल मूवमेंट है, तो हिस्ट्री का पार्ट ज्यादा हो जाता है क्योंकि हिस्ट्री ऑफ इंडिया में एंसेंट मार्क पूछ लेता है, मिडिवल पूछ लेता है, थोड़ा बहुत आपका कहां पे 1707 तक पूछ लेता है मॉडल, लेकिन जब आपके 1857 के बाद से 1857 से लेकर और 1947 तक आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट पे पूछता है तो वहां से स्पेशल क्वेश्चन होते हैं, हिस्ट्री का पार्ट बड़ा हो जाता है। इंडियन पॉलिटी इकोनॉमी एंड कल्चर इज सेम सिलेबस वही वाला है, अगर इस आप उसको देखोगे सिलेबस को देखोगे तो आप सिविल सेवा की जो यूपी पीसीएस की आप देखते हो उससे आप आरओ एआरओ से डायरेक्ट सिलेबस मिला सकते हो, सेम मिलेगा, बस ये इंग्लिश में लिखा है, वहां पे हिंदी लिखा होता है, वहां पे भी इंडियन पॉलिटी इकोनॉमी एंड कल्चर साथ में लिख देता है, हालांकि इकोनॉमी अलग पार्ट हो जाती है, इंडियन पॉलिटी अलग पार्ट हो जाती है, कल्चर अलग पार्ट हो जाता है, बच्चे इकोनॉमी एंड कल्चर में लेके थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। कृषि से आएगा कॉमर्स एंड ट्रेड आपका इकोनॉमिक्स पोर्शन में आ जाएगा, पॉपुलेशन सेंसस हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो वो सेंसस कॉमन वाले क्वेश्चंस होते हैं, उसमें कुछ खास नहीं है। ज्योग्राफी हो गया वर्ल्ड इंडिया और आपके मिनरल सोर्सेस सब कुछ हो गया, करंट बहुत जरूरी है ये आपको बताया जाएगा, जनरल एप्टीट्यूड में आपका रीजनिंग आना है, मैथ नहीं आना है, मैं आपको बता दे रहा हूं कौन सी फैकल्टी कौन सा बैच पढ़ाए कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगी, बहुत जबरदस्त फैकल्टीज है, सब कुछ बहुत हाईली एक्सपीरियंस है, बहुत मजा आने वाला है इसमें, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं।
स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन कल्चर, ये यूपी है, यूपी स्पेशल है, और यूपी के लिए तो आप एकदम मस्त होके पढ़ना है पूरा एनिमेशन के साथ। मैं फिर से आपको खुद यूपी पढ़ाऊंगा और पूरा एनिमेशन के साथ बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। यहाँ पे एक पोर्शन है इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश में यहाँ पे आपके करीबन क्वेश्चन होंगे और अच्छे खासे क्वेश्चन होंगे, 200 में आपके 22 से 25 क्वेश्चन लगभग पूछेगा, ऐसे ही आपका हिंदी होगा। तो इंग्लिश और कंप्यूटर नॉलेज ये लगभग आपका 50 क्वेश्चन के लगभग लेके जाएंगे, ये लास्ट के दो पॉइंट। तो लास्ट के दो पॉइंट अगर कर लोगे तो 50 क्वेश्चन आपका वैसे हो जाएगा, और यही आपका सिलेक्शन और सिलेक्शन नहीं होने में डिफरेंस क्रिएट करेगा। बाकी इसे सब पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, सबको आता है, सब तैयारी कर रहे होते हैं। डिफरेंस ये दोनों पोर्शन आपका क्या कर देगा, अलग कर देगा। बाकी थोड़ा बहुत रीजनिंग आरओ वाले में अलग आ जाती है, वो मैं आपको बताऊंगा। वर्बल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस अच्छे आ जाते हैं, मैं आपको पेपर एनालिसिस कराऊंगा तो वहां पे बता दूंगा। तो ये कोर्स प्रारंभ है, मैं फिर से बता दूंगा आपको, यहां पे कोर्स प्रारंभ है। और मैं ये भी आपको दिखाना चाहूंगा, पिछली बार बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे सिलेक्शन लिया था, मैं चाहूंगा इस बार आपके नाम हो यहाँ पे, अच्छी अच्छी तस्वीर आपके लगे और हम लोग एक नया इतिहास इसमें रचे। तो कोर्स के लिए आज से ही रजिस्ट्रेशन चालू है, आप दिए हुए नंबर पे 9450000 या 6007 किसी पे भी कॉल कर सकते हैं। दूसरा नंबर है 9129697070, दोनों में से किसी भी नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या हमारे डायरेक्ट परीक्षा प्लस ऐप, क्या करिए गूगल प्ले स्टोर से परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड करिए और वहां पे आप एससी आरओ एआरओ का कोर्स देखिए, कोर्स आप परचेज करिए। अभी 50% ऑफ चल रहा है ये ऑफर कुछ ही दिन के लिए, 999 का कोर्स है जो कितने में मिल रहा है, 499 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, सारी की सारी वीडियो क्लासेस मिल रही है, सारे के सारे नोट्स मिल रहे हैं ई बुक में, और आपको 10 टेस्ट मिल रहा है। और ये बहुत बड़ी बात होती है, इतनी सारी चीजें इतनी गुणवत्ता में इतने कम प्राइस में। अगर आप ऐप पे नहीं जाते हो तो www.parikshaplus.org पे विजिट कर सकते हो, या एक डायरेक्ट वेबसाइट परचेजिंग के live.parikshaplus.org पे जा सकते हो। तो यहां किसी भी माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हो, बाकी सारी लिंकें आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, सारी जानकारी आप वहां से ले सकते हो, कॉल कर सकते हो किसी भी समय, कर सकते हो, और इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे भी सारी इन्फॉर्मेशन आपकी दे दी जाएगी। फिर मिलेंगे जल्दी कोर्स में, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।